बिहार से उठी फ्री वैक्सीन वाली सियासत की, जिसने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। हर राज्य में विपक्ष के नेता अब अपने प्रदेश के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि क्या किसी पार्टी के घोषणा पत्र में फ्री वैक्सीन को शामिल करना सही है, वो भी ऐसे समय में जब पूरे देश में कोरोना से 70 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ एक राज्य के लिए लोगों के लिए मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देना जायज है? आज का राजनीतिक विश्लेषण इसी पर। कोरोना महामारी से कराह रहा देश अभी इंतजार ही कर रहा था कि वैक्सीन कब आएगी, उन्हें कैसे मिलेगी और मिलेगी तो उस वैक्सीन की कीमत क्या होगी। अचानक कोरोना काल में हो रहे पहले चुनावी दंगल में बिहार बीजेपी के एक वादे ने सर्द होते मौसम में सियासी पारा चढ़ा दिया। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। भाजपा के 11 संकल्प ICMR की स्वीकृति के बाद हर बिहारवासी को कोरोना का निशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराए। 24 घंटे में ही पटना से छोड़ा गया सियासी तीर विपक्ष को ऐसा चुभा कि देश की राजनीति में वैक्सीन पॉलिटिक्स के नए दौर की शुरुआत हो गई। बिहार के साथ ही देश के लोगों का परिचय भी वैक्सीन वाली नई राजनीति से हो गया। कांग्रेस, RJD ही नहीं, देश की दर्जनों पार्टियां फ्री वैक्सीन की जंग में कूद गईं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी, ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। गुरुवार को पार्टी की ओर से जारी किए गए 11 पॉइंट के घोषणा पत्र में फ्री वैक्सीन को सबसे ऊपर रखा गया। अपने संकल्प पत्र में COVID-19 वैक्सीन को शामिल करने वाली बीजेपी देश की पहली पार्टी बन गई। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। निर्मला सीतारमण के बयान के बाद अब अलग अलग पार्टियां ऐसा ही वादा करने लगी हैं। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सरकार ने भी अपने लोगों को फ्री में वैक्सीन दिए जाने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है MP में उपचुनाव होने वाले हैं और तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव अगले साल होगा। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा वादा करने वाले नेताओं और पार्टियों की लाइन लंबी होने वाली है। लेकिन इस ऐलान ने देश की राजनीति में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कीर्ति के बाद हर बिहारवासी को कोरोना का निशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराए। क्या महामारी काल में कोरोना वैक्सीन पर भी पॉलिटिक्स होगी या फिर कोई सरकार या पार्टी वैक्सीन का चुनावी राजनीतिकरण करेगी? सवाल सीधे हैं, हमारी फिक्र भी साफ है, लेकिन जवाब अतीत में छिपा है। नारों और वादों की राजनीति नई नहीं है। 1971 से शुरू हुई नारों की राजनीति पार्टियों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती रही। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये देश जो गुलाम था, ये देश जो इतना गरीब था, ये देश जो डरा हुआ था, ये देश जो दबा हुआ था, आज ये सिर ऊपर करके खड़ा हो सकता है। 49 सालों में दर्जनों सरकारें आईं, गरीबी नहीं हटी। 70 और 80 के दशक में एक नया नारा आया, रोटी कपड़ा और मकान का। 90 के दशक में भी नए नारों की लिस्ट लंबी हुई, उस वक्त बिजली, सड़क, पानी बड़ा वादा बना। उसी दौर में कर्ज माफी और मुफ्त में घरेलू सामान देने के चुनावी वादों से दक्षिण भारत के राज्यों में कई सरकारें बनी। अब आज के दौर का नया चुनावी नारा है फ्री वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन वाले नारे में इतना साफ है कि लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा देश की राजनीति में सबसे ऊपर आ गया है और लोगों से अब स्वास्थ्य बेहतर करने के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। आपका वोट इसलिए जरूरी है ताकि बिहार फिर से बीमार ना पड़ जाए, सतर्कता इसलिए जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार बीमारी से बचा रहे। सच है कि जिस तरह रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी बुनियादी अधिकार हैं, जिस तरह पोलियो, TB का टीका बुनियादी अधिकार हैं, किलर वायरस के खिलाफ वैक्सीन हासिल करना भी आपका हक है। लेकिन दशकों से पार्टियां अपने अधिकार छीनकर चुनावी वादों की शक्ल में आपको ही बेच रही हैं और अब भी यही हो रहा है। भाजपा के 11 संकल्प ICMR की स्वीकृति के बाद हर बिहारवासी को कोरोना का निशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।